यस डियर स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर इन क्लास फिफ्थ इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज आर द एरिया वेयर द अर्थ इज कवर्ड मेनली बाई वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। बेटा, फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ अपने आप उग जाते हैं, जहाँ आपको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उधर काफ़ी लाइफ फॉर्म्स एनिमल्स वगैरह भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर एक सीनरी टाइप की दिखाई गई है फॉरेस्ट की, जहाँ ट्रीज़ हैं, वाटर हैं और सॉयल है। जहाँ ये ट्रीज़ हो जाते हैं, सॉयल है, वाटर है, तो उधर एनिमल सर्वाइव करते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर आपका आपके एनिमल्स जो है ना सर्वाइव कर रहे हैं। फॉरेस्ट क्रिएट्स स्पेशल एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द काइंड्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स दैट लिव एंड सर्वाइव देयर। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जिससे कि उधर प्लांट्स और एनिमल्स जो है सर्वाइव कर सकें। फॉरेस्ट आमतौर पर वहाँ होते हैं ज़्यादा जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, बिकॉज अगर टेम्परेचर कम होगा तो उधर फॉरेस्ट कम में होंगे, वहाँ प्लांट्स इतने ग्रो नहीं कर पाएंगे, और रेनफॉल जहाँ पर 200 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होती है। अर्ली मैन यूज टू लिव इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वॉज हिज फूड, मीन्स ही गेट द फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट वॉज हिज शेल्टर। ह्यूमन बींग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर गेटिंग क्लीन एयर, फूड, फ्यूल, वाटर, शेड एंड शेल्टर। आप फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हो और आपको ये सभी चीज़ें आपके फॉरेस्ट से मिलती हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, आपको फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लुक हियर। नंबर वन, फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर। फॉरेस्ट एयर को कैसे प्योरीफाई करते हैं बेटा? ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है रेस्पिरेशन में। सो लाइक दिस दे हेल्प इन क्लीनिंग द एयर एंड मेक द क्लाइमेट बैलेंस, और मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस मीन्स क्लाइमेट को बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करते हैं जिस बाई एब्जॉर्बिंग CO2, क्योंकि CO2 क्या करती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करती है, मीन्स ग्रीन हाउस गैस है ये, और हमारे एटमॉस्फेयर को के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है बाई एब्जॉर्बिंग हीट। फॉरेस्ट इज द एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। फॉरेस्ट में आपको पता है सॉयल होती है, सॉयल के अंदर ट्रीज होते हैं, और उसके बाद ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो आपको पता है सॉइल के अंदर फिक्स होती हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन इन द सॉइल, मीन्स बहुत सारा पानी जो है बारिश का आपकी मिट्टी के अंदर चला जाता है। दिस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, आपके वाटर जो ज़मीन के नीचे उसका लेवल ऊपर हो जाता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मीन्स फॉरेस्ट मिट्टी को बहने से रोकते हैं। इसके अंदर जो पेड़ होते हैं वो रूट्स को बाइंड, रूट्स जो होती है सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो आपकी मिट्टी को बहने से रोकते हैं। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का बह के चला जाना। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एज प्रिवेंट फ्लड्स एज द सॉइल हेल्ड द रूट्स ऑफ द हेल्ड बाई रूट्स ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, इसलिए फ्लड को भी आने से रोकती, मीन्स फ्लड नहीं आने देती, वो चलते हुए पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग रेनफॉल, इससे बारिश होती है, ग्रीनरी अराउंड और उसके आसपास ग्रीनरी भी इंक्रीज हो जाती है। फॉरेस्ट आल्सो सर्व एज अ होम फॉर मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स, काफ़ी एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट उनका एक घर है। नाउ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आपको फॉरेस्ट से क्या मिलता है? नंबर वन, वुड एंड टिम्बर। वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, और वुड से पेपर भी बनता है जो आप यूज़ करते हैं, आपकी बुक्स वगैरह पेपर से ही बनी हुई हैं। मेडिसिंस, नंबर टू, मेडिसिंस एंड स्पाइसेस, वी गेट मेडिसिंस एंड स्पाइसेस, मेडिसिंस मिलती हैं, मसाले मिलते हैं आपको, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी, ये सभी आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं। उसके बाद गम्स,
रेजिन्स एंड डाइज, आपको गम्स एक एडिसिव के रूप में भी यूज़ होता है, गम्स कोई चीज़ चिपकानी उसमें काम आता है, मेडिसिंस में यूज़ होता है, कुछ गम्स को फूड के लिए भी हम यूज़ करते हैं, रेजिन्स वार्निश और पेंट बनाने के काम आता है, और मेडिसिंस जो डाइज हैं, इधर डाइज ना, डाइज आर यूज टू कलर क्लोथ्स, क्लोथ्स में पेपर में कलर करना है जैसे, इन सबको कलर करने के काम आते हैं। स्पेशल लीव्स आमतौर पर एरिका नट लीव्स जिसको कि सुपारी कहते हैं, आर यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स, इनके जो लीव्स हैं आपकी जो यूज एंड थ्रो वाली प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स कहते हैं, वो बनती हैं। तेंदू लीव्स जिससे बीड़ी बनती हैं इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों का की जो रोजी रोटी है वो इन तेंदू लीव्स के ऊपर डिपेंड करती है। तेंदू लीव्स आर यूज फॉर पर्टिकुलर रैपिंग पर्पस, किसी चीज़ को लपेटने के काम में भी इन तेंदू लीव्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज हनी, लार्ज बीहाइव्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट दैट आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। आप लोगों ने देखा होगा जंगल के अंदर इस तरीके से बीहाइव्स होते हैं, इनको तोड़ के इनमें से शहद निकाला जाता है और इनके साथ में वैक्स भी निकलता है जिसे हम बी वैक्स कहते हैं, जो कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में यूज होता है। बैम्बू आपने देखा होगा, बड़े बड़े डंडे टाइप के होते हैं जिससे सीढ़ियाँ बनती हैं, उनमें इलास्टिसिटी होती है जिससे वो टूटती नहीं है, इनसे बास्केट बनती हैं, बोट, ब्रिजेस, बकेट्स, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रॉड्स, आप देख सकते हो इधर बैम्बू की कितनी सारी चीज़ें बनी हुई, इधर चेयर वगैरह बनी हुई, ये सभी चीज़ें आपकी बैम्बू से बनी हुई हैं। स्पेशल प्रोडक्ट्स और भी मिलते हैं हमें फॉरेस्ट से, सैंडलवुड, लैक, रबर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। सैंडलवुड जो ये लकड़ी होती है इससे आपका ऑयल बनता है, लैक से आपकी चूड़ियाँ बनती हैं, ऐसे रबर भी आपकी कई जगह पर रबर जो आप यूज़ करते हो उसको बनाने के काम होते हैं, ये सभी ट्रीज से आपको मिलते हैं।